पीछे की जो सदी है वो गुजर चुकी है, मतलब हमारे बुजुर्ग जो है वो यहाँ आए थे। अच्छा, बुजुर्ग आपके यहाँ पर आए थे तमिलनाडु से? इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, ऐसी बना के बेचते हो या अभी बना रहे हो? नहीं नहीं, बेचती हूँ मेरा दुकान। अच्छा अच्छा। व्लॉग आप देख रहे हो, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। तो आज हम जो है जिना हॉस्पिटल जो है वहाँ पर हैं, और यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप तमिल कॉलोनी दिखाएं जहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, तमिल सोसाइटी है। सो क्या कराची में भी तमिल लोग जो है, तमिल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? सो आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ, मतलब विजिट कर रहे हैं तमिल कॉलोनी का। और ये कॉलोनी जो है कराची में जिना हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सदर के साथ में ही है, कैंट में लगता है बेसिकली ये। वाओ, मौसम चेक करो। कोई इतना खूबसूरत हो रहा है इस वक्त, हवा चल रही है, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत हो रहा है। अभी हम बहुत ज्यादा आगे आ गए हैं, तो इन लोगों ने कहा है कि आप जो है ना, मतलब हम बहुत पीछे चले गए थे क्योंकि मैप कुछ और शो करा रहा था, लेकिन अब हमें वापस वहीं पर ही आना पड़ रहा है जहाँ पर हम लोग पहले आए थे। अभी सूरज भी डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ अंधेरा होने से पहले ही। मद्रासी कॉलोनी है जिसको हम तमिल कॉलोनी भी कहते हैं इन कराची। बैट बॉल खेल रहे हो? क्या नाम है आपका? अथरुस। अथरु। छोटी छोटी सी शॉप्स हैं इन लोगों की। हाय, अच्छा, इसके ऊपर कुछ पैटीज भी डालते हो या ऐसे ही? नहीं नहीं, ये तो फ्रेंच फ्राइज का बर्गर है। अच्छा, फ्राइज के ऊपर ऐसी बना के बेचते हो या अभी बना रहे हो? नहीं नहीं, बेचती हूँ मेरा दुकान। अच्छा अच्छा, कितने का बेचते हो आप? थर्टी फाइव का। ओके ओके, थैंक यू। तो 35 रुपीस का इन्होंने फ्रेंच फ्राइज के ऊपर बर्गर रख के दिया है, मतलब बर्गर के ऊपर फ्रेंच फ्राइज, केचप और मायोनीज रख के दिए हैं, प्लस बर्गर बन। अंकल जी यहाँ पर बर्फ सेल कर रहे हैं।
अभी हम कोशिश करेंगे इन्हें यहाँ पर किसी से भी बात कर सकें, और देखते हैं कि कोई अगर बात करना चाहता है तो हम उनसे बात भी करते हैं। तो ये बेसिकली श्रीलंका जो है, श्रीलंका से जो आए थे वो ज़्यादातर तमिल लोग आए थे, और वो हिंदू कम्युनिटी है ज़्यादातर यहाँ पर। कुछ तमिल मुस्लिम भी हैं जो तमिलनाडु से आए थे, और मतलब 1947 से पहले जो तमिल जो है वो यहाँ पर रहते हैं। और हाय कर दो, क्या नाम है आपका? मरियम। ओके, और इनका क्या नाम है? पलवश्या। क्यूट। बिल्ली? हाँ। यहाँ पर फ्रूट की, वेजिटेबल्स की शॉप्स हैं यहाँ पर, ये अंडा दही वगैरह। वो काफ़ी पुरानी कॉलोनी है ये, दिखने में ही लग रही है। छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये वाली गली देखो, ये बहुत ही छोटी गली है, बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिक्स है, लेकिन ये बेसिकली तमिल कॉलोनी है। तमिल कॉलोनी सच है, यहाँ पर आपको क्रिश्चियन तमिल, हिंदू का तमिल एंड मुस्लिम तमिल जो है वो दोनों मिल जाएंगे। ये तो सोया हुआ है, हैं नींद कर रहे हैं। अच्छा, सोया हुआ है। किसका चूज है, तुम्हारा है या इसका है? इसका है। अच्छा, तो इसने तुम्हें दे दिया, तुमने इसको दे दिया, खेलने के लिए दिया है ये वाला चूजा। चलो थैंक यू। एक वो भी आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये काफी छोटी छोटी गलियां हैं और ये कॉलोनीज हैं। श्रीलंका से जो लोग आए थे सिविल वॉर के टाइम पर, वो वाले जो तमिल हैं वो कहलाते हैं हिंदू तमिल, और इसके अलावा पार्टीशन में जो तमिलनाडु से आए थे वो मुस्लिम तमिल भी हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन तमिल भी आपको मिल जाएंगे। इस वक्त इस सोसाइटी में, ये जो आप मेरे पीछे सोसाइटी देख रहे हो, इस सोसाइटी में ऑलमोस्ट आपको 100 फैमिलीज जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकती हैं, और दूसरे एरियाज़ में भी हैं, पंजाब साइड पे भी होंगी, सिंध में भी हैं, मतलब कराची में कोरंगी साइड पर हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर हैं। यहाँ की गलियाँ बहुत पतली पतली सी हैं, छोटी छोटी सी, छोटी छोटी सी गलियों की पिक्चर बना लो। बहुत अच्छी बनेगी, बहुत खूबसूरत। I was not expecting इतनी छोटी छोटी गलियां। मतलब यहां से इनकी गलियों से आइडिया हो रहा है कि ये गलियां कितनी छोटी हैं, और यहाँ के लोग मतलब कि फिर भी रहते हैं। ये वाली गली बहुत छोटी है अभी तो, खैर, बट ये है कि अभी अंधेरा भी हो रहा है, उसकी वजह से इतनी रोशनी नहीं है, लेकिन यह है कि इतनी छोटी छोटी गलियाँ, काफ़ी पुराना जो है ये एरिया है और अट्रैक्टिव है। सारे तमिल से ही मिक्स हैं या फिर अलग? नहीं, मिक्स ही है सारे, हिंदू भी है, मद्रासी भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, सभी मिक्स हैं। ये जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं ये कितना साल पुराना है, मतलब आप यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हो? अच्छा, 70-80 साल हो गए आपको। आपका नाम क्या है? अकबर मसीह। अच्छा, 70 साल हो गए हैं, मतलब इस घर को 70 साल हो चुके हैं।
बनाया। अच्छा, मतलब 70 साल से ये घर है, आपने दोबारा बनवाया है? बनाया। तो हैं अंकल तकरीबन 70-80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और क्या नाम है आपका? जोया। और आपका? मरियम। अच्छा अच्छा, और आपका क्या नाम है? चैनेट। चैनेट, ओके ओके। सर आप यहीं पर ही रहते हैं? अच्छा, तो ये सोसाइटी मतलब कितने टाइम से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? अच्छा, पैदाइश यहाँ की है आपकी, तो अंकल जी की भी यहीं की होगी? सही सही। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे साथ ही रहते हैं, मिक्स रहते हैं मजे में? सही सही। तो अभी ये जो कॉलोनी है इस साइड पे ज्यादातर क्रिश्चियन है। कल जी आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 80 साल हो गए हैं। तो कभी मतलब कि पाकिस्तान में ही आप शुरू से थे या पाकिस्तान से बाहर भी? मतलब पाकिस्तान की पैदाइश है आपकी? अच्छा अच्छा, सही सही, चले अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। साल से अंकल रह रहे हैं यहाँ पर, कैन यू इमेजिन? हमें हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो? नहीं बनाओ। ये आपने माथे पे क्या पहना हुआ है? मुझे भी पहनना है। पिक्चर अपने घर पे नहीं बनाने। आंटी हूँ या बाजी हूँ? खेल रहे हैं, कोई कह रहा है आप आंटी हैं, कोई कह रहा है बाजी। वो तो कंफ्यूज हुए हैं मैं एक्चुअली। तो यहाँ पर एक अंकल मिले हैं, वो भी तकरीबन 80 इयर्स ओल्ड हैं, वो शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं। और मैंने यहाँ पर कुछ अंकल से बात की जो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, और क्रिश्चियंस जो हैं वो भी मिक्स रहते हैं और काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। और सब लोग ही आई थिंक जो है वो खुश हैं, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और मेरे पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं और कह रहे हैं व्लॉग बना रही हैं बाजी, व्लॉग बना रही हैं। कह रहे हैं हमारी वीडियो क्यों बना रही हो, हमारी वीडियो क्यों बना रही हो। की चाय बेच रहे अंकल, कितने टाइम से चाय बेच रहे हैं आप? बड़ा वक्त हो गया। काफी टाइम हो गया। सिंध में कहाँ से हैं आप? वैसे सिंध से लग रहे हैं आप? छोटे से आए हूं, बड़ा हो गया। यहीं पे बड़े हुए हैं? काफी हो गया। अच्छा अच्छा, एक दे दे अंकल को भी, कोई बात नहीं। अंकल नहीं, मैंने नहीं पी। अंकल बहुत अच्छी है, मुझे ना प्यास लग रही, घबराहट हो रही है। पता है? अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा है। अंकल जी की एज जो है वो 81 है, और मतलब लगते नहीं है, अभी भी यंग है और शुरू से यहीं पर ही रह रहे हैं इसी एरिया में। तो अभी हमें कह रहे थे कि चाय वगैरह पिलाता हूँ, घर चले खिदमत वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी हम लोग घर जाते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे क्या गिर जाएगी, अपनापन होना चाहिए। थैंक यू अंकल, ओके। आइसक्रीम कौन में शुरू हो जाएगा? कौन कह रहा मैं वो शुरू हो जाऊंगा? और ये क्यूट सी बेबी है, क्या नाम है आपका? हेनरी। अच्छा, शर्मा रही है, हैरी या हेनरी? हेनरी, ओके, हेनरी नाम है इनका। शॉप्स बनी हुई है यहाँ पर, छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है।
कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? श्याम। श्याम तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मतलब 1947 से आप यहीं पर ही रह रहे हैं। काफी छोटी दुकान है, पुराने टाइम की, अभी बनाई है आपने। अच्छा अच्छा, श्याम नाम है आपका। तो आप मतलब शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं या तमिलनाडु से जो यहाँ पर आए थे या फिर से? जी जी, अच्छा, बुजुर्ग आपके यहाँ पर आए थे तमिलनाडु से। मैं कराची से ही हूँ, मेरा नाम साइमा पीरजाद है और मैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है उसमें मैं जो हिंदुइज्म है उससे रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं मैं वो बनाती हूँ, मतलब एक्सप्लोर करवाती हूँ कराची में। सो फ्रेंड्स, ये एक तमिल जो हैं हमें मिले हैं तमिल कम्युनिटी से, जिनका नाम है श्याम और बहुत ही अच्छी नेचर के हैं। इनकी बहुत ही छोटी सी शॉप है और बहुत ही अच्छी नेचर है इनकी। तमिलनाडु जो है वहाँ पे, वहाँ से इनका जो है वो ताल्लुक है। मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि तमिल फैमिली जो है वो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में कि नहीं करती है, तो हमें वो भी दिखाएं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ पर जैन भी पाकिस्तान में है क्या? जैन जो होते हैं लेकिन वो मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जैसे मद्रास के हम रहने वाले हैं। जी जी, तो हमारे जो है तीन इलाका है, मतलब तीन एरिया है। अच्छा अच्छा, गुजरोड है। जो तमिलनाडु है वहाँ से कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके जो जो बुजुर्ग हैं? चेन्नई से। अच्छा अच्छा, सही सही। चलें जी, आपसे बहुत खुशी हुई। अपने कुछ जो हैं तमिल जो कम्युनिटी है उनसे अगर कुछ कहना चाहें बॉर्डर के उस पर, नहीं वैसे ही कोई सलाम दुआ देना चाहे। चले जी, थैंक यू सो मच। तो तमिलनाडु जो है वहाँ से इनका ताल्लुक है, चेन्नई से। इनके जो बुजुर्ग हैं वो वहाँ रहते थे। सो जब पार्टीशन हुआ था तो 1947 में फिर ये यहाँ पर आए पाकिस्तान में और यहाँ पर ही इनकी रिहाइश है। और ये काफ़ी पुराना एरिया है, यहाँ पर आपको तमिल मिल जाएंगे, मतलब डिफरेंट लोग मिलते हैं। तो श्याम जी ने मुझे बताया कि इनका जो बेसिकली मतलब कि यहाँ पर तीन जगहों पर रहते हैं कराची में। एक तो जिस एरिया में हम घूम रहे हैं वो है, और एक कोरंगी में है, और एक जो है वो है कोरंगी में है और एक ब्रिग रोड पर है। यार मुझे भी लिखते थे। हाय, ये कहाँ चढ़ गया? ये लॉकडाउन है। अच्छा, बताया कि यहाँ पे एक हनुमान मंदिर भी है, लेकिन जब मैं अंदर जाने लगी तो उन्होंने आगे से कहा कि अभी यहाँ पर टाइल्स लगने लगी हैं, तो अभी आप मत जाएं, तो दिसंबर में आप विजिट कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप फिर विजिट कर सकते हो, क्योंकि वो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था। और सेकंड ये था कि वहाँ पर जो है अभी पूजा वगैरह भी हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने अभी कहा कि पूजा के टाइम पे हम डिस्टर्ब होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं डिस्टर्ब करती भी नहीं हूँ पूजा के टाइम पर। जो है वो यहाँ पर मतलब कम्युनिटी में ऐसे कहूँगी कि बस नॉर्मल कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से है, बहुत पुराना, क्योंकि ये सिविल हॉस्पिटल जो है ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है। और ये मेरे पीछे एक बच्ची खड़ी हुई है, देख रही है। हाय, कैसे हो? क्या नाम है? सहरा। सहरा, और आपका? साबरा। साबरा, अच्छा अच्छा, ये सहरा है, सायरा है और वो साबरा है। और पानी लेने गए हुए थे कहाँ से? अच्छा अच्छा, आपका घर यहीं पर ही है? अच्छा, ये साबरा और सायरा है। नहीं नहीं, कौन है? सिंधी। अच्छा अच्छा, तो खैर ये बच्चे भी यहीं पर ही रहते हैं, सायरा एंड साबरा। सो ये एरिया बहुत पुराना है, यहाँ पर लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पे मंदिर भी है। सो सबसे अच्छा लगा बात करके। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, जोर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।